स्पीच खाना, ये खाना, वो खाना, सारा कुछ. तो पहले मुझे बताइए, ये एक कैरेक्टर है जो आप प्ले कर रहे हैं कि मतलब वो जो नासिर खान जाने हैं, जिस तरह आप द लेजेंड है, ये अलग से कोई कैरेक्टर है या आप असल में भी ऐसे हैं? नहीं नहीं, देखिए हम लोग जो ये कर रहे होते हैं, वीडियोस बना रहे होते हैं, ये इसका बिल्कुल मैं आपके साथ आपकी बात के साथ एग्री करता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है सच. लेकिन ये हम एक जस्ट करेक्टर प्ले कर रहे हैं. हमें आवाम देखते हैं, हम किसी को फोर्स नहीं करते कि हमारी आके वीडियोज देखो या नहीं 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 देखनी पड़ेगी. हाँ, ये हम किसी को फोर्स नहीं करते, लेकिन फिर भी आवाम हमें देखती है. और बुरा इस चीज़ के ऊपर लगता है कि आवाम देखती है और उसको फिर क्रिटिसाइज अब करती है, बुरा भला कहती है. क्रिटिसाइज नहीं, मतलब मैं तो अभी आप दोनों की एक वीडियो रिसेंटली जो आई है मैं आप डांस कर रहे हैं, जी जी बिल्कुल, तो उसके ऊपर मैंने जितने कमेंट्स देखे, सच बताऊंगी आपको, बिल्कुल, बिल्कुल. जितने भी कमेंट्स, उसमें से 90% कमेंट्स जो है वो बुरे, या ठीक है, मतलब बुरा भला कहते हैं आपको. और सिर्फ इतना नहीं, मतलब ऐसा ऐसा बुरा भला कहते हैं ना, जिसके अंदर लिखा होता है कि मतलब इन दोनों को मार दो पकड़ के, या ये कहीं नजर आ जाए तो हम मार देंगे, ये है वो, मतलब जितना इंसान है तो ये कमेंट्स आप पढ़ते भी होंगे. बिल्कुल, वो कमेंट्स तो इस तरह होते हैं. और अभी तो ये हो गया कि कमेंट्स तो स्टार्ट से जो हमने इस तरह फेसिंग करके आ रहे हैं ना, तो अभी तो बिल्कुल ये जो इंसान को एक आदत से होती है ना, तो कभी कभी ये नहीं होता कि यार इतना कोई लोग मुझे बुरा भला कह रहे हैं तो मैंने ये नहीं करना या मैंने कुछ और करना है? ये तो है, लेकिन ये कि अभी तो काम तो वैसे भी हमें करना है ना, तो क्यों करना है, तो मैं पूछ रही हूँ ना, ये क्या. अच्छा, पहली वीडियो जब बनाई थी, थोड़ा पीछे चले जाते हैं कॉमेंट्स में बाद में, बिल्कुल. पहली वीडियो जब बनाई तो क्या सोचा था? पहली वीडियो जब मैंने बनाई थी ना, तो उस वक्त भी मैंने जेन में एंटरटेन का वास्ते मैंने जेन, ये भी तो एक जर्म से होती है ना, क्योंकि क्योंकि कुल कहते मैं कर सकता कोई कहने, तो मैं पहले से जो मैंने स्कूल मैंने तो मैं तो वेल एजुकेटेड भी हूँ ना, क्योंकि मैंने मास्टर, बिल्कुल मैंने सुना है आपने मास्टर, किस में मास्टर किया है? मैंने उर्दू एडवांस में किया था. अच्छा, सही. और यूनिवर्सिटी लेवल पे इस तरह जो कॉलेज लेवल है, स्कूल के मैंने उनमें भी इस तरह स्टेज ड्रामे स्कूल के जो फंक्शन होते हैं, सही. तो उसके बाद मैंने यानी हर एक अपनी अपनी स्टोरी होती है, नुमान की अपनी स्टोरी है, मेरी अपनी. मैं जानना चाहती हूँ, आज मैंने आपको अगर यहाँ बुलाया है, हाँ बिल्कुल, तो इसलिए मुझे बताया ना क्या स्टोरी है मेरा. तो स्टोरी तो ये थी मेरी कि मैंने जैसे मास्टर किया उसके बाद मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था ना, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में भी जॉब मिलना आजकल तो मेरे ख्याल में बहुत. और उर्दू में मास्टर्स में स्पेशली टीचिंग के अलावा, टीचिंग के अलावा, हाँ ये तो है, लेकिन खैर इसके अलावा मैंने तो और भी डिग्रीज बहुत ज्यादा हासिल किए, क्योंकि मैंने इसी तरह मेडिकल कॉलेज से किए, तो मेरा खुद वालिद साहब जो है ना वो डॉक्टर था ना, और उसके बाद मैंने जब एफ एस सी किया था, तो उसके बाद मैंने खुद अटेंशन डॉक्टरी की तरफ था ना, क्योंकि मेरी फैमिली वाले चाहिए कि मैं एजुकेशन के से आगे जाओ, क्योंकि मेरे इस तरह मेरे जो बहने हैं, मेरे 8 बहने हैं, वो भी वेल एजुकेटेड हैं ना, मेरे बहने माशाल्लाह, और मेरे जो भाई, हम 4 भाई हैं, तो अच्छा. मेरे भाई ने वो भी माशाल्लाह काफी वेल एजुकेटेड हैं, यानी सब हम एजुकेटेड फैमिली है ना. और फैमिली सवाल से अगर आपने कमेंट्स की बात कही ना, तो इस तरह फिर वो भी तो देखते हैं ना, जाहिर बात है ना, तो वो कभी कुछ कहते नहीं, वो तो बिल्कुल इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करते थे ना मुझे इस तरह. जब मैंने स्टार्ट में शुरू किया तो बिल्कुल मुझे मना कर रहे थे कि आप ये चीज ना करो, और इस तरह अपने पठान फैमिली से ताल्लुक है, तो उसमें तो बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट किया, बिल्कुल ही नहीं एक्सेप्ट किया, बिल्कुल एक बात सही है. लेकिन ये था कि मेरे फैमिली वाले जो है ज्यादातर हमारे लाहौर कराची यहाँ पर है ना, मेरे वहाँ पर बहुत काम हमने, क्योंकि यहाँ पर बहुत शिफ्ट हो गई है, तो इस तरह वो समझते हैं इन चीज़ को ना, क्योंकि वो इस तरह इनको जानते हैं कि ये जो सही है या गलत है, इनको इनकी चीज़ का, कैसे कि मैं ऑलरेडी जो है ना लोगों को एंटरटेन कर, लोगों की हाँ हाँ हंसाने के लिए, खुशी के लिए कर रहा हूँ ना. तो फिर ये था कि मैंने जब मास्टर किया, उसके बाद मैं जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने जगह जगह पे सी वगैरह जमा कराई कि मुझे अच्छी जॉब मिल जाए, मैं वही करूँगा, क्योंकि मेरे अपने फैमिली की तरफ से वही था ना, क्योंकि अम्मी की जो विश होती है ना, तो वो भी तो इंसान उनको देखते हैं. फिर जॉब नहीं मिली, तो नहीं मिली. तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैंने अपना एक पेज बनाया अपने के तहत, क्योंकि ये नुमाई जितनी भी आप देख रहे हैं ना, ये सब जो है ना कह के मेरे पैदावार है ना, मैंने जैसे स्टार्ट किया. ये सही कह रहे हो, तो ये नहीं, मैं इस बात पे ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मैं तो इस चीज में आना भी नहीं चाहता था, जो रियलिटी है. लेकिन मेरे साथ कुछ हुआ यूं कि हम लोग फ्रेंड्स तो बन गए. मैं नासिर का कहूंगा कि मुझे नासिर की वीडियोस कहीं ना कहीं बहुत इंटरटेनिंग लगती थी और लगती हैं भी अभी नहीं, भी. लेकिन... और लेकिन हुआ कुछ यूं कि जब हमने इस तरह ग्रुप के अंदर वीडियोस वगैरह लगी, तो वो एकदम से मतलब दोस्त वगैरह वो करते हैं ना शरारतें कि यूं लगा दी और हम लोग इकट्ठे ही थे, तो वो लग गई. और जब मैंने देखा कि उसने रातों रात इतने मतलब मिलियंस चले गए और लैक्स व्यूज आ गए, तो मैंने कहा अच्छा अच्छा ये कुछ है, मतलब मुझे करना चाहिए. मुझे मतलब हुआ कि ठीक है मैं फेमस हो रहा हूँ, लेकिन जब मैंने गो थ्रो में कमेंट्स में गया और मैंने देखा, तो मुझे इतना
अंदर बहुत बुरा लगा, इवन कि मैं 2-3 दिन डिप्रेशन में रहा, मैं हॉस्पिटल में एडमिट भी रहा था इस वजह से। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैंने अगर ये चीज़ की है तो अब ठीक है, मुझे लोग भूल तो नहीं सकेंगे, मैं कहीं पर भी बाहर निकलूंगा मुझे कहेंगे तो अच्छा ये तो वही है, ये तो वही वीडियो बनाने वाला, ये लाइक दैट, ठीक है कहती है। असल में कभी किसी ने, मतलब चलो स्क्रीन पे होता है ना कि आप एक स्क्रीन के पीछे हो, जो भी आपको वहां पे जो कुछ भी कह रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं सकते, लेकिन कभी असल में किसी ने रोक के कुछ बुरा भला कहा है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ, बल्कि मुझसे जब भी कोई मिलता है लाइक कहीं पे भी, हम लोग भी लाइक नॉर्मल लोगों की तरह ही है, बाहर निकलते हैं, शॉपिंग करते हैं, फैमिली के साथ घूमते हैं, बाहर अंदर जाते हैं, लेकिन जब भी मुझे लोग मिलते हैं वो बल्कि देख के मुझे हैरान परेशान होते हैं, वाकई वो इनुमान है कि मतलब एक अलग ही स्टाइल, एक अलग ही लुक, तो वो देख के बहुत ज्यादा होते हैं कि लेकिन कभी कोई बुरा भला नहीं, नहीं, नहीं अच्छा बहुत तो मतलब... बल्कि पास आते हैं, सेल्फीज लेते हैं, फैमिलीज आती है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं, अच्छा। तो देख के बहुत अच्छा लगता है, फिर इस चीज को देख के दिल करता है कि आगे कंटिन्यू करो। लेकिन जब फिर कॉमेंट्स देखते हैं, मैं जस्ट ये कहना चाहूंगा कि जो हम करेक्टर प्ले करेंगे, जस्ट एक करेक्टर अगर देखा जाए तो ठीक है, हम जो भी करें आपके चेहरे के ऊपर, आजकल के ये लड़ाई दौड़ जिस तरह चल रही है, मार कुटाई, इसके इस दौर के अंदर अगर आपके चेहरे के ऊपर कोई थोड़ी सी भी 2 मिनट के लिए हंसी लेकर आता है तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आप उस चीज से एंटरटेन हो रहे हो। अच्छा ठीक, चलो ये बात तो मुझे समझ आ गई, ठीक है, हंसी मजाक भी समझ आती है, कॉमेडी भी समझ आती है, और हर कोई कॉमेडी करता है, हंसाता है, कॉमेडी फिल्में बनती है, लेकिन फिर आ जाती है थोड़ी जुमानी बातें, ठीक है, कुछ इस तरह की कॉमेडी जो आपको समझ आ रही होती है कि ये मतलब हमें पता है आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप उसको कॉमेडी कहें तो वो और बात है, और आपको ये भी पता है कि सोशल मीडिया पे हर किसी की एक्सेस है, बच्चों से लेके बड़ों तक, ठीक है, और जो बच्चे होते हैं या जो एस्पायरिंग लोग होते हैं या जो मैं यहाँ बैठ के जो भी बात कर रही हूँ, सब कुछ एक जिम्मेदारी होती है ना आप सबके ऊपर कि मैं जो भी कर रहा हूँ तो किसी को कोई एस्पायर करेगा कि यार मैंने ये बनना है, ठीक है, जिस तरह बहुत, मैं सीधी सीधी बात करूँगी, बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने बुरा कहा कंदील बलोच को, बहुत सारी थी जिन्होंने देखा कि यार ये तो बड़ा सही तरीका है जल्दी से फेमस होने का, तो बहुत सारों ने कहा कि मुझे भी यही बन जाना चाहिए, है ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये वाली बात तो आ जाती है ना बीच में कि ठीक है मैं कॉमेडी करूं, लेकिन मैं कैसे कॉमेडी करूं, कभी ये अच्छा, नहीं सोचा, पर वहां पे ऐसे नहीं लगता कि अच्छा ये जो कमेंट्स आ रहे हैं ये मुझे सही कह रहे हैं, जिस तरह नासिर से मैं ज्यादा पूछना चाहूंगी कि मतलब ये पीच खाना है, ये तो बाकी मुझे भी फनी लगी है थोड़ी थी इसमें, लेकिन बहुत सारी इस तरह की वीडियोस थी जो मैं देख के मैंने कहा क्या मतलब, हाँ बिल्कुल, मतलब उसके अंदर एक डबल मीनिंग टॉक हो रही होती है, थोड़ी वो अजीब सी होती है, मतलब वो मैं कहूंगी उसके ऊपर अगर एक वो आ जाए ना रेटिंग वाला, इस तरह पता है ना कुछ फिल्में होती हैं उसके ऊपर रेटिंग का वो लगा देते हैं कि ये सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, ये हर किसी को नहीं देखना चाहिए, ठीक है, मैं तो सीधी सीधी बात करूं, बिल्कुल, तो फिर उस पर तो अगर खानदान एतराज करे या लोग एतराज करें उसके नीचे इस तरह के कॉमेंट्स आए तो कभी ये नहीं सोचा कि नहीं मुझे ये नहीं करना? नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन पहले जब स्टार्ट में इंसान कोई काम शुरू करता है ना तो उसको वायरल करने के लिए इस तरह कुछ ना कुछ तो वो अपना, तो मतलब ये वायरल के लिए है, बिल्कुल है, लोगों के एंटरटेनमेंट करने के लिए भी होते हैं, क्योंकि हम इस तरह एक वीडियो में अगर कुछ इस तरह एक पॉइंट आउट आपके होंगे ना तो उस हिसाब से वो वायरल होंगे ना, वो ज्यादा से ज्यादा लोग अटेंशन, यही यही बात जो है ना ये मैं पूछना चाह रही थी कि वायरल करने के लिए, हाँ, कि कोई भी वीडियो वायरल हो जाए उसके लिए हर कोई कुछ भी करने को तैयार होता है, स्पेशली जब आप इनिशियली लॉन्च हो रहे हैं, शुरू में जब आपको कोई नहीं जानता तो उस वक्त आपको कहते हैं मैं कुछ भी करूं लेकिन वो वायरल हो जाए, लेकिन यहाँ पर नाजरीन ये बात देखें कि अगर कोई लड़का ऐसी कोई हरकत करता है, ठीक है, कि मैं ऐसा कुछ कर लूं जो वायरल हो जाए, ठीक है, तो वो वायरल भी हो जाती है, उसको कॉमेडियन भी कहते हैं, उसके बहुत फैन भी हो जाते हैं, हेट तो हर जगह आता है, लेकिन यही हरकत अगर कोई लड़की करती है वायरल होने के लिए तो उसका क्या अंजाम होता है ये भी हमें पता है सोशल मीडिया पे, राइट, क्योंकि हमें बहुत कम चीज़ें हैं जो करने की इजाज़त है या करनी चाहिए, या सही या गलत का तकाजा मुझे लगता है लड़कियों के लिए थोड़ा सा ज्यादा है, है कि नहीं? कहा था ना खरी खरी बातें करूंगी, मैं एंटरटेनमेंट की तरफ भी चलेंगे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि क्योंकि हम लोगों ने आपको यहाँ पर बुलाया है और हम उन्हीं मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं जिनसे हम चाहते हैं कि जो लोग उन्हें मिले या उनसे, बिल्कुल, हम लोग खुद काफी लोगों को बताना चाहते हैं, हर साइड जो है ना इसकी वो उन्हें दिखाना चाहते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं, और जितने भी लोग हैं जो इंस्पायर करते हैं इनसे मिलना है कोई बात करना, आप कॉल करके हमसे पूछ भी सकते हैं, सैरिश भी हमारे साथ है जो वी लॉगिंग करती है और वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट जो है वो चीज है, छोटी सी ब्रेक के टाइम में, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, वी लॉगिंग की तरफ भी चलते हैं। कोई बात नहीं है ना, कोई हो जाता है, मुझे बता दिया करो मेरे दांतों पे लिपस्टिक लगी हुई हो तो मैं तो मैं कहती हूँ असली दोस्त वो होता है जो आपको बता दे आपका काजल फैला हुआ है, आपके दांतों पे लिपस्टिक है, आपका मेकअप खराब है, बजाय इसके औरतों की लिपस्टिक लगी होती है, बजाय इसके कि आप बाद में तस्वीरें देखो और आपको हाय अल्लाह जी मुझे कोई तो बता देता मेरे बाल यहाँ से खड़ा हुआ था, कुछ हुआ हुआ था, कभी कभी जराबे जो है ना सॉक्स वो भी आपके ट्राउजर के अंदर आई होती है और लोग चल रहे होते हैं कोई बताता नहीं है। अच्छा मैं तो मुझे इतनी हंसी आई उस दिन, अब इतनी ज्यादा
ठंड है और आपको पता है शादियों के कपड़े कितने ठंडे होते हैं ना वाकई में। तो बच्चों आपकी आवाज मुझे आ रही है, सारी बातें पता चल जाएंगी। तो ये ना शादी का सीजन है और इसके अंदर मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। मैंने कहा ठीक है प्लाजो हो साड़ी हो जो भी टाइट जरूर पहननी है नीचे, ठीक है बड़ी जरूरी है। और बाद में मैंने तस्वीरें देखी, मेरे सारे प्लाजो के नीचे से ना मेरी प्रिंटेड टाइट्स नजर आ रही है।